सभी साथियों को जय साल। साथियों, आज 2 नवंबर है और दिन है वीरवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों सरसों के भाव के ऊपर। कॉटन के भाव में एक बड़ा जो है खेला हो रहा है उसके ऊपर, और चर्चा करेंगे साथियों ग्वार के अंदर आज फिर जो है एक बड़ी गिरावट जो है देखने को साथियों मिली है। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। हालांकि चर्चा जौ, गेहूं, मूंग और चने के ऊपर भी जो है थोड़ी थोड़ी करेंगे साथियों। चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। आज फिर सरसों में थोड़ी सी रिकवरी बनी है। वो जो आपको आज से 20 दिन पहले बोला था कि ये जो त्योहारी सीजन है इसके अंदर तेल की जो मांग है वो निकलती रहेगी, बनती रहेगी, सरसों ऊपर फिर नीचे, फिर 100 रुपए चढ़ेगी और 25-25 करके फिर टूटेगी, फिर बढ़ेगी, तो वही हो रहा है साथियों। कोई बहुत बड़ी डिमांड जो है सरसों के निकल के सामने नहीं आ रही है। हालांकि KLC के अंदर थोड़ा सुधार है और लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी जो है सरसों के अंदर साथियों नहीं है। चर्चा करें साथियों बाजार भाव की, क्योंकि सरसों के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा करने की अब जरूरत नहीं है। ऑफ सीजन है, लगभग हर रोज जो है 5 लाख कट्टे की जो है आवक हो रही है। चर्चा करें साथियों भाव की, नोर के अंदर 5,150 रुपए, गंगानगर 5,390, संगरिया 5,570, भरतपुर 5,615, ये बड़ा प्लांट है, दादरी 5,550, दिल्ली 5,600, जयपुर बड़ा प्लांट है 5,950 रुपए, सलोनी 5,425 रुपए, शिवानी मंडी 5,570, रायसनगर 5,390, हिसार 5,520, आदमपुर 5,590 और पदमपुर के अंदर 5,373 रुपए और विजयनगर के अंदर 5,396 रुपए साथियों आज जो है सरसों के भाव आ रहे हैं साथियों। तो सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं। हालांकि त्योहारी सीजन था, उम्मीद थी बहुत बड़ी की शायद जो है एक बार भाव सरसों के 6,500 की तरफ जा सकते हैं या फिर 6,000 से ऊपर तो जाना ही चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ साथियों। तो अब यहाँ से सरसों में भी बहुत बड़ी जो है तेजी बनती दिखाई नहीं दे रही। बात करें साथियों ग्वार की, ग्वार के अंदर आज फिर गिरावट साथियों। लगातार ये जो सप्ताह है वो ग्वार के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2 दिन गिरावट, फिर 1 दिन तेजी, फिर 2 दिन गिरावट, फिर 1 दिन तेजी, तो यही माहौल रहे साथियों और लग भी यही रहा साथियों की। हालांकि ग्वार की जो फसल है वो बहुत कमजोर थी, लेकिन फिर भी ग्वार का जो बाजार है उसकी समझ इस बार बहुत मुश्किल है किसी के लिए पाना, क्योंकि ग्वार के जो बाजार हैं वो लगातार अस्थिरता की तरफ है। 2 दिन अगर बाजार बढ़ता है तो फिर 1 दिन इतना बड़ा टूटता है कि बहुत बड़ी जो है गिरावट उसके अंदर आती है। तो आज भी ग्वार के जो भाव गिरावट के अंदर साथियों। बात करें भाव की, पदमपुर 5,430, रायसेनगर 5,502, संगड़िया 5,570, नोहर 5,400, भादरा 5,502 रुपए, शिवानी मंडी 5,586 रुपए, रावला मंडी 5,530, गढ़साना 5,430, विजयनगर 5,502 रुपए और गंगानगर 5,390 और गढ़साना के अंदर 5,502 रुपए साथियों आज जो है भाव रहे हैं ग्वार के। तो ग्वार में भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है साथियों और दिखाई भी जो है इस सप्ताह नहीं दे रही कि बहुत बड़ी तेजी जो है ग्वार के अंदर साथियों बनेगी। बात करें साथियों कॉटन की, कॉटन के अंदर बहुत बड़ा खेला हो रहा है, 3 तरह का खेला है। आज फिर एक अखबार के अंदर खबर छपी कि कॉटन जो है वो पिछले साल से 6% कम होगा। थोड़े टाइम पहले, आज से शायद 20 दिन पहले खबर छपी थी कि कॉटन जो है वो पिछले साल के मुकाबले मजबूत रहेगा। आज 6% कम की खबर आई है और हो सकता है कि आपको आने वाले 10 दिन के बाद कॉटन की खबर मिले कि कॉटन जो है 12% या 15% कम है। लेकिन सही खबर ये है कि पिछले साल से कॉटन 25% तक साथियों जो है कमजोर है, वो कम है। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं ये चीजों को मैनेज करने के लिए, भावों को कंट्रोल में रखने के लिए ऐसी खबरें देते रहते हैं। जो लोग आज से 10 दिन पहले ये कह रहे थे कि कॉटन तो पिछली बार से मजबूत है, वो आज ये कह रहे हैं कि 6% कम है और आने वाले दिनों में आपको 15% कम बताएंगे। लेकिन असल कहानी ये है कि कॉटन जो है पिछली बार से 25% तक जो है टोटल जो कंप्लीट यील्ड है वो साथियों कम रहेगी। बात करें भाव की साथियों, तो कॉटन के भाव हालांकि आज थोड़ा सा सुधार हुआ, कल एक
गिरावट थी कॉटन के अंदर, लेकिन आज जो है थोड़ा सा एक सुधार बनता हुआ नजर आया। बात करें भाव की, लोअर मंडी 7230, बीकानेर 6970, रावला मंडी 6997, गढ़साना 6970, कालावाली मंडी 7055, बरवाला मंडी 7050, गंगानगर 7000, फतेहबाद 7002 रुपये, संगरिया 7000 और विजयनगर के अंदर 6990 रुपये, सिरसा मंडी 7230 रुपये साथियों, और बीकानेर के अंदर कॉटन का जैसे मैंने आपको भाव बताया 6970 रुपये साथियों आज जो है रहा है। गेहूं के अंदर थोड़ी थोड़ी मजबूती बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी गेहूं में साथियों नहीं दिखाई दे रही। जौ के भाव बिल्कुल स्टेबल है, चना और मूंग के भाव भी जो है लगभग लगभग साथियों स्टेबल है। कोशिश रोज करता हूं कि डेली फसल भाव की वीडियो किसान भाइयों तक पहुंच सके, ताकि सही भाव जो है कम से कम किसान भाइयों को मिल सके। कॉटन में पहला आपको मैंने ये बताया जो जो परसेंटेज टोटल यील्ड की बताई जा रही है, दूसरी बात ये कि बड़ी मात्रा में कॉटन को सुखा करके बोली लगने के बाद बिछा करके 5-5 दिन के बाद जो है उसको तोला जा रहा है, और तीसरी बात बहुत बड़ा पूल चल रहा है मंडियों के अंदर, भाव जो है कॉटन का रुई के अनुसार साथियों दिखाई जो है नहीं दे रहा है। सभी लोग चुनाव में व्यस्त हैं, किसी को किसान की कोई फिक्र नहीं है, और मेरे ख्याल से किसान को खुद की भी जो है कोई अपनी फिक्र साथियों नहीं है। हमें जागना चाहिए, 6-6 दिन कॉटन को सुखा करके हम लोग बेचेंगे तो कैसे काम चलेगा। चर्चा और मंथन आप जरूर करना साथियों, मिलेंगे कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।